लेक्चर में हम आपकी जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करेंगे। आपने कहा था कि एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 8 और 10 सॉल्व नहीं होता, तो आप चेक कर लें इसको, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 में हम सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 और 10 इसमें आप देख लें। तो ये हमारे पास एक गिवन क्वेश्चन है जिसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू हल करना है। तो सेम प्रोसीजर्स जाएंगे, सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर अगर कंपेयर करें तो हमारे पास ए की वैल्यू बचती है 3a² और यहाँ पर एक्स और एक्स को अगर कंपेयर करें तो बी की वैल्यू क्या बचेगा 8ab और सी की वैल्यू बचेगी 4b². इस तरह से हमारे पास ये ए बी सी की वैल्यू आया। आप सवाल में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या कहा है कि ए एंड बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ पर कहा है कि ए और बी कोई भी कांस्टेंट नंबर है लेकिन वो जीरो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गया। अब इनको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करते हैं। एज क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास था माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास 8ab प्लस माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 8ab का होल स्क्वायर माइनस 4a बराबर है 3a² के और c बराबर है 4b² के डिवाइड बाई 2a 2 × 3a². इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 8ab प्लस माइनस इनका स्क्वायर क्या होगा, 8 का स्क्वायर होगा 64 a² b² माइनस यहाँ पर 4 × 3 = 12, या बल्कि इस तरह करते 4 × 4 = 16, 16 × 3 = 48, 48 a² b² होल डिवाइड बाई 3 × 2 = 6a². x इज इक्वल्स टू माइनस 8ab प्लस माइनस 64 में से 48 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 16a² b² डिवाइड बाई 6a². एक्स इक्वल्स टू माइनस 8ab प्लस माइनस 16ab² को लिखेंगे 4ab का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 6a², ये दोनों कैंसिल होगा। एक्स इक्वल्स टू माइनस 8ab प्लस माइनस यहाँ पर बचेगा 4ab ओवर 6a². आप देख सकते हैं कि इसमें प्लस माइनस 4ab है तो प्लस वाले को अलग सॉल्व करेंगे और माइनस वाले को अलग से सॉल्व करेंगे। तो देख ले इसमें ज़रा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस वाला x इक्वल्स टू माइनस 8ab प्लस 4ab डिवाइड बाय 6a², ये प्लस वाला पोर्शन, और सिमिलरली x इक्वल्स टू माइनस 8ab माइनस 4ab ओवर 6a². अब यहाँ पर क्या होगा, 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 4ab ओवर 6a². एक्स इक्वल्स टू एक a एक a से कैंसिल हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, यानी ऊपर बचेगा माइनस 2b और नीचे बचेगा 3a। ये हमारे पास x की एक वैल्यू, यहाँ पर आते हैं इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस 12ab ओवर 6a², एक a और एक a कैंसिल होगा, 6 × 2 = 12, x इक्वल्स टू माइनस 2b ऊपर बचेगा और नीचे सिर्फ बचेगा a। ये आपके पास इसकी नेक्स्ट वैल्यू। इसके साथ ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 10 में हमारे पास है 2x² प्लस 0.3x माइनस 0.35 इज इक्वल टू जीरो। तो मैंने आपसे कहा था कि इस एक क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी पॉइंट्स को आप ख़त्म करें डेसिमल्स, तो इनके नीचे वन है, वन पॉइंट के नीचे वन डालेंगे और डिजिट के नीचे ज़ीरो, तो इस सिमिलरली इसको भी ये बचेगा, इस तरह बनेगा 2x² प्लस यहाँ पर बचेगा 3x/10 और यहाँ पर माइनस 35/100 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इनका एलसीएम करते हैं, एलसीएम में आएगा 100, 100 को 1 पे डिवाइड करते हैं 100, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 200x², 100 को 10 पे डिवाइड करेंगे 10 × 3 = 30x और यहाँ पर बचेगा माइनस 35 इज इक्वल टू ज़ीरो।
इसको इस तरफ ले जाते हो तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई और जीरो बनेगा खुद, ये होगा 200x² + 30x, ठीक है, -35 = 0। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0, तो आप देख सकते हैं a की वैल्यू है 200, b की वैल्यू है 30 और c की वैल्यू है -35। इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, ये वैल्यू पुट करेंगे s x = -b + -b² - 4ac/2a। ये मैं इस तरह कर रहा हूँ क्योंकि पॉइंट ख़त्म कर, ताकि पॉइंट ख़त्म करने से ये इजी सॉल्व होगा, आप इसको डायरेक्ट भी ले जा सकते हो, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0.3 और c की वैल्यू -0.35 ले सकते हैं। मैंने इतना प्रोसीजर इसलिए किया कि पॉइंट ख़त्म हो, पॉइंट ख़त्म करने से आसान ईजीली वो सॉल्व होगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो x = -b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू हमारे पास है 30 प्लस माइनस, b की वैल्यू है 30² - 4, a की वैल्यू है 200 और c की वैल्यू है -35/2a, 2 × 200। x = -30 + -30 का स्क्वायर कितना होगा, 0009, तो ये बनेगा 900 और इनका ये तो होगा माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा 800, 800 को 35 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0085 = 40, ये फिर 0083 = 24, 0008 और 2, ये बनेगा 28000। नीचे बचेगा आपके पास 200, 400, तो इन दोनों को प्लस करते हैं, 28000 + 900, तो क्या बनेगा, 00928। x = -30 + - ये बनेगा 28900/400। आप इसको यहीं तक कर सकते हो, ठीक है, आगे भी ले जा सकते हो, सिर्फ ये मालूम करना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या है उस नंबर का। अगर इसको रूट आपको इजीली मिल सकता है तो सही है, अदरवाइज यही आ तक आंसर काफ़ी है। और इसके साथ ये आपके क्वेश्चंस।